तनु आपने बोला था हाउस पार्टी है यार, क्लब पार्टी थोड़ी बोला था आपने। देख लो अपनी मर्जी करो, फिर मेरे को मत बोलो कुछ भी यार, क्योंकि मैं ऐसे अलाउ नहीं कर सकता भाई। मैं तो ड्रिंक भी करूंगी और सिगरेट भी पीऊंगी जाने। तो फिर अपने मेल फ्रेंड को ही बोलना कि हाँ आपके साथ हमेशा सारी जिंदगी रह ले। ये है तो ऑन कैमरा रहेगा आज के बाद आप। What's up guys, welcome back to our new vlog। और आज का vlog start हो रहा है guys हमारी bike के साथ भाई, क्योंकि guys आज हम लेके जाने अपने वाले हैं अपनी ZX10R को। guys मैंने अभी बाहर निकाल दी है और प्यारी सी इसको साफ वगैरह कर दिया प्रॉपर तरीके से और खूबसूरत बना दिया guys, चमका दिया बिल्कुल। पिछली राइड आप सबको पता है जैसे कि तन्नू ने हमारी ZX10R चलाई थी, तो आज फिर से हम सोच रहे हैं कि हाँ एक प्यारी सी राइड करें यार। बाकी चलो guys अभी मैं इसको कोल्ड स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको कोल्ड स्टार्ट दिखाता हूँ इसका। बाकी यहाँ पे चेक करोगे भाइयों आए थे यार मिलने, और चलो कोई नहीं अभी दिखाता हूँ मैं आपको कोल्ड स्टार्ट। भाइयों भी कहते भी हमें भी कोल्ड स्टार्ट सुनाऊं इसका बाइक का, तो अभी इसको करते हैं हम कोल्ड स्टार्ट। 1 2 3 गो। क्या करो गाइस भाई, 10R का कोल्ड स्टार्ट इतना खतरनाक होता है ना भाई, और अभी स्टॉक एग्जॉस्ट है, जिस दिन इसमें एग्जॉस्ट लग गया ना उस दिन तो ये तबाही मचा देगा भाई। कैसी लगी आवाज, सही है? और आपको पता है एग्जॉस्ट लगने के बाद तो भाई और ही ज्यादा ब्रूटल हो जाएगी, और भी ज्यादा मतलब लाउड हो जाएगी। बाकी इसके बैक फायर सुनाऊंगा इस आपको, ये देखो बैक फायर देखना। क्या खतरनाक बैक फायर मारता, ऐसे से बैक फायर जब हम बाइक पे होते हैं ना हेलमेट के अंदर तो पता नहीं लगता है, बट ये मारता जरूर है भाई। भाई स्टॉक एग्जॉस्ट में भी पटाके भाई, बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस चलते हैं अभी निकलते हैं यहाँ से, बाकी यहाँ पे चेक करो गाइस प्यारे प्यारे से बच्चे। हेलो कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, क्यूट क्यूट बच्चो, क्यूट क्यूट। कैसी लगी बाइक, प्यारी है? अच्छी है। बाकी आज ना यार थोड़ा सा ना मौसम ना बीच में बारिश वाला मौसम हो जा रहा है, थोड़ी देर बाद धूप वाला हो जा रहा है भाई, पता ही नहीं लग रहा क्या क्या हो रहा है। बाकी अभी मैंने पेट्रोल डलवाना है, तो पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर उसके बाद तन्नू से मिलते हैं भाई। गाइस मैंने ये भी सोचा हुआ था ना कि हम ना यहाँ से ना मतलब कहीं दूर राइड पे निकलेंगे, मतलब इन द सेंस कि हम धर्मशाला या फिर कांगड़ा स्टे करेंगे कुछ महीनों के लिए, पर गाइस सारा प्लान ही उल्टा सीधा हो गया हमारा इस टाइम, क्योंकि गाइस आप सबको बताऊं तो मेरा यार वर्क फ्रॉम ऑफिस हो चुका है, तो अब मैं ऑफिस से वर्क करूँगा। ऑफिस जाने की वजह से गाइस फिर मैं हमारे ब्लॉग्स भी थोड़े कम हो जाएंगे शायद, और देखते हैं जैसे भी होता है, अगर एडजस्ट हो पाया मेरा तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए डेली डेली ब्लॉग्स लेके आऊं, बट मेरे हिसाब से तो यार मुश्किल ही होगा मेरे लिए, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा क्योंकि ऑफिस भी जाना पड़ेगा रहेगा, और फिर उसके बाद आप सबको पता है कि एडिटिंग का भी बड़ा पंगा रहता है, तो एडिटिंग भी करनी पड़ेगी रहता भाई। चलो थोड़ा खींचते हैं भाई, अभी मैंने ना पेट्रोल डलवाना है इसमें, पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर उसके बाद चलते हैं गाइस तन्नू के पास, जितना मतलब पिकअप करके लेके आते हैं ना पीछे से, और अचानक से रेड लाइट की वजह से हमें फिर रुकना पड़ जाता है गाइस। ये सिटी राइड्स के लिए ना यार थोड़ा सा मुश्किल है, 10R के लिए सिटी राइड्स में बड़ा तंग हो जाती है बाइक। तो भाई यार पेट्रोल पंप पहुंचा और तन्नू की कॉल आ गई, पूछता हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं तो पेट्रोल डलवाने आया था बाइक में। मतलब लग जाएगा मेरे को 5-10 मिनट, क्यों क्या हुआ गाइस? अभी तन्नू का कॉल आया, मैं मेरे दिमाग से गाइस स्किप हो गया था कि तन्नू को भी आज ड्रॉप करना था, बट अभी याद आया मुझे कि हाँ यार तन्नू ने मुझे बोला था कि कहीं पे जाना है मुझे आज, तो आप मुझे छोड़ देना। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ गाइस, यहाँ से पेट्रोल नहीं डलवाता हूँ, मैं चंडीगढ़ से पेट्रोल डलवाऊंगा। चलो कोई नहीं, अब चंडीगढ़ से डलवाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं आया घर से। ओ मैं ना घर से ये सोच के चला था कि आज एक प्यारी सी राइड करेंगे, बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया कि आज तो मुझे तन्नू को भी ड्रॉप करना है। ओह शिट मैन, अरे भाई रॉन्ग साइड मत आओ यार, भाई साहब अभी मर जाना था इस लड़के ने, और विदाउट हेलमेट है भाई। बहुत ब्रूटल भाई, बहुत ज्यादा प्यारी
170 तो ऐसे चले जाती है, 175 तो ऐसे चले जाती है जैसे कुछ है ही नहीं इसके लिए, मक्खन मलाई की तरह। चलो गाइस तन्नू के घर पहुंचते हैं, फटाफट तन्नू को पिक करते हैं, देखते हैं क्या बोलती है क्या नहीं। भाई इस लड़की के भी अलग ही ड्रामे होते हैं। आज मैंने सोचा होता कि राइड करेंगे एक प्यारी सी मज़े से और कहीं घूमेंगे खाएंगे पिएंगे कुछ, बट ये अलग ही प्लान्स लेके चली होती है हमेशा। बट तन्नू ने मेरे को कल ही बताया था कि उसको बर्थडे पार्टी पे जाना है, तो मैंने भी फिर बोला था कि हाँ ठीक है चले जाना आप, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उसकी फ्रेंड का फ्लैट वगैरह है तो वहाँ पर जाएंगे हम पार्टी करने। हेलो यार आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो आज। अच्छी लग रही हूँ। हाँ सच में कहाँ जा रहे हो पार्टी पे? हाँ तो भाई घर पे पार्टी है तो ऐसे तैयार हो के कौन जाता है घर पे पार्टी पे? घर पे पार्टी थोड़ी ना है, क्लब में पार्टी बताया था आपको। वो ये कब बताया आपने कि क्लब में पार्टी है? मतलब हाँ एंड मोमेंट में डिसाइड हुआ कि क्लब में पार्टी, तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हो। अबे साले किसने बोला आपको क्लब में जाने को? क्या बोला आपने? तो बोला था जाने को, क्लब जाने में क्या है भाई? मैंने क्लब जाने के लिए नहीं बोला आपको, मैंने ये बोला था कि आप हाउस पार्टी है तो फिर हाउस पार्टी में आपके बर्थडे पार्टी है वहाँ पे आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं, आप जाओ यार वहाँ पे। मैंने आपको मना नहीं किया था उस चीज के लिए। कहीं पे भी हो सकती है। मतलब पार्टी तो पार्टी है, कहीं पे भी हो सकती है भाई। क्लब में थोड़ी होती है पार्टी, बर्थडे पार्टी है तो भाई अपने घर पे बनाओ, उसको बोलो अपनी फ्रेंड को। अच्छा मैं उसको बोलूं? तुम तो छोड़ दो, चलो अभी ये बात। भाई मैं नहीं अभी इस पे 10 hours पे कैसे जाओगे और कैसे बैठोगे भाई, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी। तो कैब कर लेती हूं, फिर कैब कर दो। आप जा ही नहीं सकते हो। क्या मतलब आप नहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते हो आप? क्यों नहीं जा सकती, क्या बात भाई? ऐसे ही बस क्या बात हो गई यार? क्या सबके सामने भाई? आपको किसने बोला पहले ये बात बताओ मुझे, यहाँ पे आओ भाई। ये लड़की क्लब में जाने के लिए बोल रही है पार्टी के लिए गाइस, और मेरे को बोल रही थी हाउस पार्टी है। तो भाई क्या चक्कर हो गया आपको क्या? तनु आपने बोला था हाउस पार्टी है यार, क्लब पार्टी थोड़ी बोला था आपने। और आप कभी क्लब गए भी नहीं हो तो आपको पता भी नहीं है क्लब क्या होता है। क्या है क्या होता है पता आपको? तो भाई फर्स्ट टाइम क्लब में क्यों जाना आपने? तो मेरा मन है यार, आपको क्या हो गया एकदम से? क्या मतलब मैं कौन सा? भाई क्लब में नहीं जाते हैं आप, नहीं जाओगे क्लब में। और ये कपड़े क्यों डाले हैं आपने ऐसे से? आप ही ने गिफ्ट की थी ये। हाँ तो मैंने गिफ्ट करी थी कि जब मेरे साथ कहीं जाओ आप। यार तनु देखो देखो मेरे को ड्रेस वगैरह का कोई इशू नहीं है, बट यार पता क्या सीन है, क्लब बहुत बड़ी चीज होती है और क्लब में लड़कियां को मतलब लड़के होते हैं बड़े सारे और फिर बड़ा हॉच पॉच सीन हो जाता है, तो बहुत अजीब हो जाता है सब कुछ। हमेशा ऐसे नहीं करता हूँ, तो फिर अपने मेल फ्रेंड को ही बोलना कि हाँ आपके साथ हमेशा सारी जिंदगी रह ले, मेरे साथ तो है नहीं, फिर जाओ आप जहाँ मर्जी। हाँ तो मैं इस बात पे लड़ सकता हूँ, आपने ऐसे कैसे बोला कि मेल फ्रेंड को बोल देती है वो ऐसे वैसे? कौन है आपका मेल फ्रेंड, कौन है बताओ पहले मुझे? बेफालतू में तनु मेरी बात सुनो, अच्छे बच्चे बिल्कुल भी क्लब नहीं जाते, तो आपने क्लब में नहीं जाना है। पार्टी या हाउस पार्टी मैं अलाउ करता हूँ, कोई इशू नहीं है, सीधी बात है। अपनी फ्रेंड्स को भी बोल दो अपनी कि वो अलाउ नहीं कर रहा भाई, वनीत अलाउ नहीं कर रहा, सीधा मेरा नाम लो। हद है एंड मोमेंट यार, बताना तो चाहिए ना। आपने मेरे से कल हाँ करवा ली कि हाँ भाई कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, तो फिर मैं क्या ठीक है चलो पार्टी तो हाउस पार्टी है कोई इशू नहीं, जा सकते हो आप, बट क्लब वगैरह वाली पार्टी तो नहीं मेरे को पता थी यार। यार कितना बॉयज कितने क्राउड्स कितना कुछ होता है वहाँ पे यार, बड़ा कुछ होता है यार, सब दारू पी के रखते हैं और फिर आपको, फिर मैं नहीं ऐसे अलाउ कर सकता यार दोनों। यार तो आप सेफ फील करोगे दारू पिए हुए बंदों में? बताओ मुझे यार, तो वो हमारे साथ खुद ना पार्टी करेंगे यार। तो होंगे तो वहाँ पे ही ना आसपास आपके ही, तो दूर दूर बैठे, दूर दूर कोई नहीं होता, वहाँ पे क्राउड होता है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ठीक है? और मैं नहीं अलाउ करता भाई, सीधी साफ सी बात है आपको। यार कभी जाओगे ना क्लब भी मैं लेके जाऊंगा, मेरे साथ चलना, तो फिर मैं आपको घुमा के लाऊंगा कि हाँ होता क्या लाइफ है, क्योंकि अभी आप अकेले जा रहे हो तो अकेला मैं बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे को लगता है डर, सीधी साफ सी बात है। तो अभी चल पड़ो हमारे। नहीं अभी नहीं मैं जा सकता क्योंकि मेरा आज ऑफिस है। और आपका ऑफिस? मैंने छुट्टी ले ली हुई है। किस बात की छुट्टी भाई? बर्थडे पार्टी की। कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, अब कैंसिल हो गया बर्थडे पार्टी, अभी रेडी हो गया हो मेरे को मिलो वापस, मैं आपका ऑफिस खुद छोड़ूंगा, सीधी साफ सी बात है, जाओ। तनु मेरी बात माननी है आपको, मान लो नहीं माननी तो फिर भाई देख लो अपनी मर्जी करो, फिर मेरे को मत बोलो कुछ भी यार, क्योंकि मैं ऐसे अलाउ नहीं कर सकता भाई, चाहे आप मुझे इस बारे में टॉक्सिक बोलो चाहे कुछ बोलो, बट भाई मैं
नहीं अलाउ करता इस बारे में, वरना मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ, मम्मी को कॉल कर देता हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे तनु जाने के लिए बोल रहे क्लब में, और वो भी ये वो मैं लेके आती हूँ आपको मम्मा को बाहर बाद में बीच में जब आप जाते हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने तो मैं बताती हूँ। हाउस पार्टी करो कोई इशू नहीं, इसको बोलो हाउस पार्टी करनी है मेरे को। अच्छा सब रेडी हो गए उधर के लिए, मैं हाउस पार्टी करूँ अब। हाँ तो आप हाउस पार्टी उनको अपने घर बुला लो, मेरे घर बुला लो, चलो मैं देता हूँ पार्टी सबको। तो कोई नहीं, मैं नीचे रहूंगा, आप सब मेरे कमरे में पार्टी करना, मजे करना, बिल्कुल कोई इशू नहीं। अभी जाओ जल्दी जल्दी, मेरे को नहीं पता, कपड़े चेंज करके आओ फटाफट, मैं आपको ऑफिस छोड़ने जाऊंगा, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ, और जल्दी जल्दी जाओ कपड़े चेंज करके वापस, 5 मिनट में मेरे को यहाँ पे चाहिए हो आप, और आज आपका ऑफिस है, मैं आपके मैनेजर को कॉल कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त था, कोई इशू नहीं, मैं बोलता हूँ किसको छुट्टी नहीं देनी है। मैं मम्मी को कॉल कर दूंगा, मत करो तंग मुझे। भाई ये लड़की क्या है, मेरे को पता क्या बोलती कि हाउस पार्टी है, और अब देखो क्लब पार्टी बना दिया है। मैं चली जाती फिर आके बताती तो आपकी खैर नहीं होनी थी बच्चा, आप कहाँ जाते तो फिर है, जल्दी कपड़े बदल के वापस आओ। ओए ये वॉक देने की जरूरत नहीं है मुझे, इधर से जाओ, इधर है आपका घर, इधर आ जाओ, वापिस उधर है, जाओ जल्दी जल्दी। हाँ ये वॉक की जरूरत नहीं है हमें। भाई ये लड़की पागल है यार, कुछ भी करती रहती है। मुझे अपनी दूसरी शिक्षा जाने, मैं नहीं जाने दूंगी, और ये अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कर रहे हो रिकॉर्ड, अगर ये है तो ऑन कैमरा रहेगा, आज के बाद आप अपने दोस्त के साथ दिखोगे ना, मुझे किसी के साथ ऐसे लगेगी ना, देखना ऐसे डंडे बजेंगे, फिर बताती हूँ, नहीं जाने दिया, ये प्रूफ है। ठीक है ठीक है, देख लेना, ठीक है ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगा तो आप भी नहीं जाओगे, नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ ही तो घूमता हूँ यार, लेट नाइट भी, जल्दी कपड़े चेंज करके आओ, जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ। गाइस तन्नू ना यार, पता क्या है गाइस, मेरे को और कोई इशू नहीं है, मेरे को इशू ये है कि हाँ क्लब में जाएगी और फिर उसके बाद और वहाँ पे क्राउड होता है, लड़की होती है, बड़ा कुछ होता है, और मैं नहीं चाहता यार कि हाँ तन्नू को कोई और मतलब बुरी नजरों से देखे, उन नजरों से देखे तो यार मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ये मैं तन्नू को अलाउ नहीं कर रहा यार क्लब में जाने के लिए। क्लब में जाना यार कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेंटेलिटी भी उतनी होनी चाहिए बच्चे की। तो अभी तन्नू बहुत मतलब बच्चों वाली हरकतें करती है, बच्चों वाली बातें करती है, तो फिर यार अभी उस हिसाब से मेंटालिटी नहीं है तन्नू की। मैं ये नहीं बोलता कि हाँ सब क्लब में जाते हैं तो वो बुरे लोग हैं, बुरे लोग नहीं है, बट यार मेंटालिटी भी मैटर करती है, उनकी एज के हिसाब से वो जाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, ऑफिस पार्टीज होती हैं, बड़ा कुछ होता है यार क्लब्स में, बट यार माइनर एज के जो बच्चे हैं जैसे तन्नू होगी, तो ये बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इधर उधर की चीजें देख के, तो फिर इनको शराब भी पीने पसंद आ जाएगी, फिर उसके बाद लोगों को देखेंगे सिगरेट पीनी तो सिगरेट भी पीनी पसंद आ जाएगी, बहुत सारा ऐसा एटमोसफेयर अब क्रिएट हो जाता है क्लब्स में कि हाँ वहाँ डांस चल रहा होता है, दारू पी रहे होते हैं, सिगरेट्स ये वो और भी बड़ी सारी चीज़ें, तो उस एटमॉस्फेयर से फिर बच्चा खुद को अपने आप को मतलब ढलाने की शुरू कर देता है, कोशिश करता है कि हाँ यार मैं भी इनकी तरह कूल दिखूंगा, तो बट वो कूल चीज़ें नहीं होती, वो अपनी बॉडी का नुकसान होता है, तो फिर उस वजह से यार बड़े सारे इन्फेक्शन बड़ा कुछ होता है, बहुत पंगे पड़ते हैं, तो इसलिए यार मैं थोड़ा अलाउ नहीं कर रहा तनु को। बाकी और कोई इशू नहीं है यार, अभी मैंने बोला तनु को कि हाँ ड्रेस चेंज करके आओ, तो वो गई है चुपचाप, और जिद नहीं करती है, मतलब ये मेरे को सबसे बात अच्छी लगती है तनु की कि हाँ जब मैंने मना कर दिया ना कि यहाँ नहीं जाना तो नहीं जाना, तो तन्नू फिर उस बात को सीरियस ले लेती है, थोड़ी सी जिद करती है स्टार्टिंग में कि हाँ यार ऐसे है वैसे है वो है, तो फिर उसके बाद मान जाती है, मतलब मेरे को ये बात अच्छी लगती है तनु की। बाकी चलो कोई नहीं, अभी ऑफिस छोड़ते हैं गाइज तनु को, आने दो उसको वापस, फिर उसके बाद ऑफिस का भी टाइम हो रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद गाइज मैंने भी ऑफिस चले जाना है यार, फिर दोनों हम साथ में ही ऑफिस जाया करेंगे।